श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जैन दर्शन में सत की व्याख्या के तीन अंग हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव, शाश्वत और अशाश्वत। जो ध्रुव है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है, उसके प्रति हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो उत्पाद व्यय है, पैदा होता है और चला जाता है, अशाश्वत है, उसके प्रति हमारा दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण हमारे कार्य को निर्धारित करता है। कार्य करने में हमारे हाथ, पैर, शरीर के अवयव सब काम आते हैं, पर हाथ निर्धारित नहीं करना कि मुझे हिलना है या अंगुली हिलाना है, ये निर्धारण हाथ नहीं करता। चलना है, पैर चलेगा, पर पैर निर्धारित नहीं करता मुझे चलना है या मुझे कहाँ जाना है। एक हमारा क्रिया तंत्र होता है और एक हमारा ज्ञान तंत्र होता है। मेडिकल साइंस की भाषा में हमारे शरीर में दो प्रकार के नर्व हैं, सेंसरी नर्व और मोटार नर्व। एक ज्ञान तंतु है और एक क्रिया तंतु है। सबसे पहले किसी भी संगठन के लिए जरूरी है कि ज्ञान तंतु कितना अच्छा है, कितना स्वस्थ है और कितना सुदृढ़ है। इस पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। ज्ञान तंतु पर कोई भी शरीर में घटना होती है, उसकी सूचना अपने आप मस्तिष्क तक, ज्ञान तंतु तक पहुंच जाती है और हमारे ज्ञान तंतु है वह अपनी सूचना लेकर चले जाते हैं। फिर मस्तिष्क निर्धारण करता है, आदेश देता है और वह काम होता है। पैर में कांटा चुभ गया, हमें लगता है कि कांटा निकालने के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ गए, इतना नहीं है, उसके पीछे कितना तंत्र काम करता है। पैर में कांटा चुभा और उसकी सूचना ज्ञान तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंची और मस्तिष्क में जो तंत्र है उसने एक सारा निर्णय किया और फिर क्रिया तंतु को आदेश दिया, तब हाथ कांटा निकालने के लिए आगे बढ़ता। हम किसी भी संगठन, संस्था या मंच पर विचार करें तो हमें दोनों दृष्टियों से विचार करना चाहिए कि हमारा ज्ञान तंतु कितना काम कर रहा है और हमारा क्रिया तंतु कितना काम कर रहा है। दोनों में साम्य हो, दोनों का ठीक अपना व्यवसाय हो और अपना ठीक अध्यवसाय हो तो कार्य अच्छा संपन्न हो सकता है, अन्यथा कार्य नहीं होता। हम शरीर को देखें,
तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमें किसी भी प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट के संस्थान में जाने की शायद जरूरत नहीं, एक शरीर का अध्ययन करें। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि हमारी पांच इंद्रियां बाह्य जगत के साथ संपर्क स्थापित करती है। अपना अपना दायित्व है, आँख का अपना काम है, आँख को कान से सलाह नहीं लेनी पड़ती कि अब मैं क्या करूँ, करूँ या न करूँ। अपना अधिकार, अपना दायित्व, आँख ठीक जो भी वस्तु सामने आएगी देख लेगी और देखकर अपना ज्ञान है वह मन तक पहुँचा दे। कान का काम सुनना है, कान सुन लेगा और अपना प्रदत्त वहाँ पहुँचा देगा। कार्य का विभाजन, कार्य की सफलता का, कुशलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कार्य का विभाजन हो। जब कार्य का विभाजन स्पष्ट नहीं होता, व्यवस्था का सम्यक संचालन नहीं होता, आँख और कान में कितनी दूरी है, आँख और नाक में कितनी दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, आँख और जीभ में कितनी दूरी है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा पांचों एकदम पास में, शायद दो तीन अंगुल की एक इंच की दूरी नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है। पर कार्य अपना अपना है। आँख के काम में कान का हस्तक्षेप नहीं है और कान के काम में नाक का हस्तक्षेप नहीं है। स्पष्ट अधिकार है, स्पष्ट दायित्व है। पहला प्रश्न ये होता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा दायित्व क्या है। तो फिर आँख से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य अधिकार क्या है। आँख से कहे कि अब मुझे विश्राम करना है और मैं तो विश्राम करूँगा और कोई आने वाला है तुम सुन लेना और फिर मुझे बता देना। आँख कभी कान का दायित्व यह नहीं लेती है, कभी अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, अपना अपना काम करो। सब अपना अपना काम करें, पर यह तब होता है जब स्पष्टता है, अधिकार की स्पष्टता है, दायित्व की स्पष्टता है कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र है और यह मेरा दायित्व है और ये कार्य विभाजन के द्वारा संभव होता है। तो हम अपने ही पास कहीं पढ़ने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को पढ़ें तो पता लग जाएगा कि हमारा शरीर ही स्वयं प्रबंधन का सबसे बड़ा संस्थान है। इसे पढ़ लो, अपने आप सारा ठीक होगा। सबका कार्य का इतना अच्छा विभाजन, हाथ का अपना काम है, पैर का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, स्प्लीन तिल्ली का अपना काम है और हार्ट का अपना काम है। सबका अपना अपना काम है और सब अपना अपना काम करते हैं और कुल मिलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा हो जाता है। शरीर का स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? हमारा शरीर स्वस्थ क्यों है कि सब अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है और सबको अपने अपने दायित्व का पता है। जब आदमी भोजन करेगा तो लीवर अपना काम शुरू कर दे, क्योंकि उसका अधिकार स्पष्ट है, उस समय लीवर काम कर देगी। पर हार्ट का कोई वह काम नहीं है कि भोजन करे या न करे, अब उसका अपना अलग काम है। वह तो बाद में जो खाएगा रक्त बनेगा और फिर रक्त का संचार या शोधन है, तब हार्ट अपना दायित्व संभालेगा। इतनी स्पष्टता हमारे शरीर में है कार्य विभाजन की। अगर किसी भी संस्था में इतनी स्पष्टता हो कार्य विभाजन की तो फिर कार्य सुचारू रूप से चल सकता है, अच्छा हो सकता है। हम जहाँ प्रशिक्षण की बात करें, चाहे अमृत संसद का सदस्य हो, चाहे अमृत संसद के संचालक हो और चाहे विकास परिषद के संचालन हो,
हमें कुछ नई दृष्टि से सोचना चाहिए, नया चिंतन करना चाहिए। आज कितना विकास हुआ है उस पर विचार करना चाहिए। जब तक हम आज के विकास के साथ हमारा चिंतन नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ जो भी अमृत संसद के सदस्य बने, बनाए जाएं या बने, उन्हें सबसे पहले प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए। बहुत आवश्यक है प्रबंधन का ज्ञान। और यह शिविर प्रबंधन का शिविर लगे कि कार्य कैसे करें, कार्य कैसे करें। कार्य करने की एक कला है, कार्य करने की एक दक्षता है। और आज तो दक्षता का, एफिशिएंसी का जमाना है कि कौन व्यक्ति कितना दक्ष है। एक ही कार्य है, एक काम, एक व्यक्ति उस काम को करता है और 10,000 रुपया मासिक वेतन लेता है, और वही काम एक व्यक्ति करता है किंतु दक्षता इतनी है कि जहाँ तक मैंने सुना ज़्यादा से ज़्यादा कि 1 महीने का वेतन 1 करोड़ रुपया। अब 10,000 और 1 करोड़, काम वही, अंतर किसका आया? वह दक्षता का अंतर है, कौशल का अंतर है। हमें कौशल पर विचार करना चाहिए। आज के ज़माने में जहाँ इतना दक्षता का विकास हो गया, केवल कुछ पुरानी धारणाओं, रटी रटाई जमी जमाई धारणाओं से काम नहीं चल सकता। बिल्कुल आज के ढंग से हो तो कार्य भी अच्छा हो सकता है और बहुत शीघ्रता से हो सकता है और विकास भी बहुत हो सकता है। हमें कार्य क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी मानता हूँ कि कुछ नया सीखने की रुचि पैदा होनी चाहिए। हम कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें, नया सीखें। और आज जो इतना विकास हुआ है, आज का युग स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का युग है। आदमी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। हमने देखा किसी ज़माने में कि ये रेडियो, टेप रिकॉर्डर इतने बड़े बड़े होते थे। अब होते होते ऐसा आ गया कि जेब के माने भी रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है और एक बटन जैसा इतना बड़ा भी है, और इतना छोटा कैमरों बन गया। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा कि एक महिला ने वह कैमरों निगल लिया, नीचे गया और कितने घंटों तक रहा और कितने हजारों फोटो उसने पेट के सारे ले लिए। जहाँ इतना सूक्ष्मता का युग आ गया, वहाँ मोटी मोटी बातों तक हम अटक जाएं और केवल स्थूल तक सीमित रहें तो फिर युग के साथ गति नहीं हो सकती। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमें शाश्वत को शाश्वत बनाए रखना है, किंतु जो शाश्वत नहीं है, जो परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के साथ अगर हम न चलें, बदलने वाला है उसके साथ बराबर न चलें, तो हम गति में आगे जा नहीं सकते। इसलिए है कि नया सीखने की रुचि पैदा हो। एक बात और ध्यान देने की है कि अमृत संसद के सदस्य का चुनाव करने की एक कसौटी भी होनी चाहिए कि वह सामुदायिक जीवन के लिए कितना समय देता है, कितना काम करता है। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, वैयक्तिक और सामुदायिक। एक वैयक्तिक पक्ष है और एक सामुदायिक पक्ष है। मनुष्य का ज़्यादा आकर्षण अपने वैयक्तिक हित में लगा हुआ है, सामुदायिकता की दृष्टि से बहुत कम सोचता है, विचार करता है। व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हो जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ गौण होता है, वहाँ अनीति का जन्म होता है। एक कर्मचारी को वेतन दिया गया
मुनीम जी वेतन दे रहे थे और उसमें 50 रुपये अधिक चले गए। बाद में मुनीम को पता चला कि भूल हो गई और 50 रुपये अधिक चले गए। अब अगला महीना आया, वेतन देना था तो मुनीम ने 50 रुपये कम कर दिए, काट लिए। तो कर्मचारी ने देखा और बोला, सर ये 50 रुपये मेरे कम हैं। उसने कहा कि जब 50 रुपये अधिक गए तब तो तुम बोला नहीं। बोला, सर मेरी आदत है कि एक बार तो गलती माफ़ कर देता हूँ पर बार बार गलती को मैं माफ़ नहीं करता, मेरी आदत है, क्या करूँ। जहाँ यह स्वार्थ की वृत्ति पनप जाती है वहाँ कोई काम अच्छा हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति में सामुदायिक चेतना का जागरण हो और जो केवल अपने लिए नहीं सोचता, समुदाय के लिए सोचता है, समुदाय के लिए सोचता है, तो वह अच्छा काम कर सकता है। मुझे स्मरण है गुरुदेव ने स्वर्गवास के कुछ महीनों पहले या एक वर्ष में अनेक बार मुझे कहा, अब हमें एक प्रयत्न करना है कि साधु साध्वियों में भी सामुदायिकता का विकास अधिक होना चाहिए। यद्यपि हमारी सारी पद्धति सामुदायिकता की है, हमारे धर्म संघ में वैयक्तिक बात बहुत कम है, सामुदायिक है, पर गुरुदेव का इंगित इस ओर था। हमारी व्यवस्था तो सामुदायिक है पर सामुदायिकता की चेतना भी जागनी चाहिए। अगर सामुदायिकता की चेतना नहीं है तो व्यवस्था भी सामुदायिक अच्छी नहीं चल सकती, उसमें परिष्कार करना जरूरी है। पहली बात, सामुदायिकता की चेतना जागे। साम्यवाद अर्थहीन क्यों बना? कि व्यवस्था तो सामुदायिकता की कर दी पर जनता की सामुदायिक की चेतना जगाई नहीं गई, जागी नहीं, और वही व्यक्तिगत स्वार्थ रहा, व्यक्तिगत स्वार्थ, इसलिए आगे काम नहीं बढ़ सका। 2-3 बातों में समझ लें, क्यों बहुत सारी 150 बातें याद नहीं रहेगी, हम थोड़े में समेट लें कि पहली बात तो है कि जो संचालक है उनके द्वारा कार्य का विभाजन हो, स्पष्ट कार्य का विभाजन, कार्य का दायित्व हो, जिससे हर किसी को पता रहे मुझे क्या करना है, किसी को पूछना न पड़े। और उसके लिए अगर कोई आपको प्रबंधन का सबसे बढ़िया सूत्र चाहे तो आप शरीर विज्ञान का अध्ययन कर लें, बस एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का अध्ययन करें, आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा कि यह तंत्र किस प्रकार चल रहा है। इतनी भारी व्यवस्था है, शायद शरीर जितना बड़ा कारखाना दुनिया में कोई नहीं होगा, इतनी भारी व्यवस्था चल रही है और प्रबंधन के द्वारा चल रही है। यह प्रबंधन मनुष्य के द्वारा कृत नहीं किंतु सूक्ष्म के द्वारा, हमारे ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा कृत व्यवस्था है और इतना अच्छा सारा कार्य संपादन हो रहा है। सब अगर 7 धातु माने तो 7 धातुएं अपना काम कर रही है, 5 तत्व माने तो 5 तत्व अपना काम कर रहे हैं, और सारे जो ऑर्गेनिक्स एक एक अवयव का माने तो सब अवयव अपना काम कर रही हैं और सब मिलकर एक अवयवी बन जाता है। पहले डॉक्टर भी मानते थे कि अवयव की चिकित्सा, एक एक अवयव की चिकित्सा, और इस आधार पर स्पेशलाइजेशन हुआ, स्पेशलिस्ट बने, तो आई स्पेशलिस्ट, ENT का स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये बना। अब एक धारणा बदल रही है, आयुर्वेद की पहले ही धारणा थी कि अवयव पर विचार मत करो, अवयवी पर विचार करो, एक पूरे शरीर पर विचार करो, केवल एक घुटना आँख कान पर विचार मत करो, वह गौण करो उस बात को। अब आज यह भी बदल रहा है, मेडिकल साइंस में भी ये चिंतन नया आ रहा है। एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इसी विषय पर कि हमें समग्र शरीर पर विचार किया जाए।
तो अमृत संसद के लिए भी जरूरी है कि एक एक अवयव पर या संसद सदस्य पर विचार न करें, समग्र पर, पूरे शरीर पर विचार करें, अवयवी पर विचार करें। तो उसमें पहला होगा सूत्र के कार्य का सम्यक विभाजन, एक महत्वपूर्ण सूत्र आ जाएगा। और फिर उसके साथ दायित्व और अधिकार की स्पष्टता, और फिर जो काम करने वाले हैं उन्हें अपना स्पष्ट बोध रहे, दायित्व का बोध रहे, और दायित्व निर्वाह के लिए सर्वात्मना अपना कार्य समर्पण के साथ करें। अगर ये दो तीन मोटी मोटी बातें, इनका सम्यक हमारा नियोजन हो जाए तो कार्य संचालन के लिए काफ़ी सुविधा हो सकती है और काम बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। और जो भी सदस्य बने उनकी एक कसौटी बस कर लें कि सामुदायिकता में विश्वास है या नहीं है, बस ये कसौटी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का सामुदायिक चेतना में विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति का सामुदायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है और सामाजिकता में विश्वास नहीं है, केवल वैयक्तिक बात पर अड़ा रहता है और व्यक्तिगत हित और स्वार्थ की बात सोचता है, वह शायद सदस्य बनने का अर्हता भी प्राप्त नहीं कर सकता। इन दो तीन कसौटियों पर विचार करें और कार्य की प्रणाली पर विचार करें तो मैं मानता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो समग्र तेरापन धर्म संघ की सारी प्रवृत्तियों का एक निर्णायक मंच है, जहां अधिकार पूर्ण उसके बारे में चिंतन और निर्णय किया जाता है। कार्य बहुत अच्छे रूप से, सम्यक रूप से चलेगा, इसलिए जो भी संचालन पक्ष और सदस्य पक्ष जो उपस्थित हैं वे इस पर गहराई से विचार करें और कार्य प्रणाली में और कार्यक्रम में और कार्य क्षमता के लिए जो आवश्यक तत्व है उन सब पर विचार कर और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।